नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज मेरे इस नए लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं, आज हम शुरुआत करेंगे एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात यह होती है दोस्तों कि एडिशन रिएक्शन देता कौन है। तो एडिशन रिएक्शन जिनमें अनसैचुरेशन होता है, ज्यादातर ऐसे कंपाउंड जिनमें अनसैचुरेशन होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गए, साइनाइड हो गए, जो आप देख रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक पाई बांड हुआ, एटलीस्ट वन पाई बांड होता है, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जिनमें कम से कम एक पाई बांड होता है दोस्तों, इसमें लॉस ऑफ वन पाई बांड एंड गेन ऑफ टू सिग्मा बांड होता है। एक पाई बांड ब्रेक होता है और दो सिग्मा बांड मिलते हैं इसमें। और दोस्तों ये स्पॉन्टेनियस है, खुद होने वाली रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है दोस्तों? स्पॉन्टेनियस है। और इसमें हम तीन टाइप का इसको पढ़ेंगे, तीन टाइप का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से एल्कीन और एल्काइन देते हैं। कौन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये दो स्टेप की रिएक्शन होगी। अभी हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, ये कैसी होती है, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। तीसरी बात यह है, जो रिएजेंट यहां पे हम यूज करेंगे वो रिएजेंट डिसोसिएशन के बाद, जो रिएजेंट हम लोग यहां पे यूज करेंगे वो रिएजेंट डिसोसिएशन के बाद उसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों देना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ रही होगी। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुख्य रूप से एल्कीन देता है और एल्काइन देता है, एल्कीन और एल्काइन शो करता है। दूसरी बात यह है कि ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है, दो स्टेप की रिएक्शन है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो अगर डिसोसिएट करता है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों देना होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले, अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग इस समय पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी-कोप्स रूल, मार्कोनी-कोप्स का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्कोनी-कोप्स रूल पढ़ते हैं। ठीक है, मार्कोनी-कोप्स रूल क्या होता है? सबसे पहली बात, मार्कोनी-कोप्स रूल जो होता है, इसको अगर एक सीधा सीधा बात हम बोले तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन डेट डीबीसी। डीबीसी मीन्स डबली बॉन्डेड कार्बन। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन डेट डीबीसी व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन डेट डबली बॉन्डेड कार्बन। डीबीसी मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक लाइन में बोला जाए तो ये होता है। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब मार्कोनी-कोप्स रूल लगता है, तो सबसे पहली सिचुएशन होती है दोस्तों इसके लिए कि एल्कीन कैसा होना चाहिए? एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल। एल्कीन को कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल, यानी जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो इसको आप यहां दो भागों में यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, तो ये शो नहीं करेगा मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। तो फिर कौन शो करेगा? क्या ये शो करेगा? यहां से आप डिवाइड करिए, जो ए है यहां अलग है, तो ये शो करेगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। क्या ये शो करेगा? ये बिल्कुल शो करेगा क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है। क्या ये शो करेगा?
इसको देखिए क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसी तरह से और देखा जाए, C6H5 है, C6H5 है, तो क्या ये शो करेगा ये वाला? हाँ, ये भी शो करेगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल आप समझ गए हैं, आपको जहां डबल बॉन्ड होगा वहां से दो इक्वल भाग में अगर डिवाइड हो रहा है तो सिमेट्रिकल है, अगर दो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है तो अनसिमेट्रिकल है। और जो एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी वो मार्कोनी कॉप्स के अनुसार एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करेगी। ओके, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी। अच्छा, अब हम दूसरी कंडीशन पाते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन इसकी क्या होती है, मार्कोनी कॉप रूल शो करने की सेकंड कंडीशन क्या होती है? एल्कीन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय, एल्कीन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लस आई ग्रुप ओनली। एल्कीन जो है दोस्तों वो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए केवल प्लस आई ग्रुप से। ओके, प्लस आई ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। जैसे ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो यहां पर ये कैसे सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ये प्लस आई ग्रुप से। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या था, एल्कीन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाई प्लस आई ग्रुप ओनली। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है, यहां पे प्लस आई होना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस आई होगा तो क्या होगा, हम आगे बात करने वाले हैं इसी सीरीज में। तो दूसरी कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है, अगर एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर फेनिल ग्रुप है। व्हाट डू यू मीन बाय फेनिल? फेनिल मीन्स होता है बेंजीन, बेंजीन जहां पे होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन, मतलब बेंजीन से तात्पर्य है कि बेंजीन रिंग वहां पे जाकर जुड़ा होगा। और बेंजीन किस रूप में जुड़ा होगा भाई, ये प्रीफिक्स के रूप में, तो आप बोल सकते हैं बेंजिल भी बोल सकते हैं फेनिल को। ठीक है, बेंजिल भी बोल सकते हैं या बेंजिल बोलना सही होगा, बेंजिल बोलिए। ठीक है, तो अगर एल्कीन शुड बी, अगर इफ फेनिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन देन बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाई फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होती है। मैंने फिर से बोला, इफ फेनिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन देन बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाई फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आई है थोड़ी सी बातें। चलिए हम देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे करने वाले हैं मार्कोनी कॉप रूल के अकॉर्डिंग। आइए, जैसे दोस्तों यहां पर है हमारे पास एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे HCl है, हमको इसको ऐड करना है इस पर। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन ये शो करेगा। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात दोस्तों, बांड को हम ऐसे तोड़ें या ऐसे तोड़ें, बताइए आप कैसे तोड़ें। हम बांड को ऐसे तोड़ेंगे, वजह क्या है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन हमें चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए देखिए, ऐसे तोड़ा गया हमें। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस माइनस होता आप जानते हैं, तो इस तरह से इसको ब्रेक किया गया और CHCl CH3। एक्चुअली मार्कोनी कॉप का नियम भी यही कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन एडेड ऑन डेड डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में कम हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले के पास है, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास आके जुड़ेगा। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे हमने जोड़ा HOCl। ठीक है, HOCl मैंने जोड़ा इस पर, तो देखिए HOCl किस पर जुड़ेगा मार्कोनी कॉप के नियम के अनुसार, मार्कोनी कॉप के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका क्या बनता है, ये इस तरह से दोस्तों ब्रेक होता है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे HOCl। ठीक है, तो क्लोरोनियम आयन बनता है OH-, तो बांड को फिर से आगे इसी डायरेक्शन हम लोग ब्रेक करेंगे, वजह स्पष्ट है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, जैसा कि आप मेरे GOC की वीडियोज को आपने देखा होगा, पूरे 12 वीडियो मैंने बनाए हैं। और एक खास बात है इन वीडियो में, न ज्यादा है न कम है, जितनी आपको सिलेक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी पर्याप्त है, आप उसको पढ़िए और सीधे MCQ करिए, इसके बाद सेलेक्ट होइए। तो आइए देखते हैं आगे, जैसे इसको हमने ब्रेक किया तो CH3 है, CH OH CH3,
सॉरी CH2Cl, Cl भी है तो ये जुड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए इसी तरह से CH3 है, ये CH है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इस तरह से है ये, तो यहाँ पे हमको ऐड करना है HBr, ठीक है, HBr हमें ऐड करना है। तो अगेन जो है हम लोग किस तरह से इसको करेंगे, CH3 यहाँ पे CBr हुआ और यहाँ पे CH3 हुआ। वजह साफ है, हम बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, 1, 2, 3, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मार्कोनी काप का नियम कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें, मार्कोनी काप का नियम मतलब मैंने कोशिश किया है कि तीन रिएक्शन से आपको समझाने का। अब अगर मान लीजिए जैसा कि हमने बात किया कि एल्किन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लस आई ग्रुप ओनली, अगर माइनस आई ग्रुप हुआ उसकी जगह पर तो फिर क्या होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अगर माइनस आई ग्रुप हुआ तो क्या होगा। तो देखिए जैसे दोस्तों अगर यहां पर मान लीजिए कोई माइनस आई ग्रुप है, जी है, यहां पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, ये कोई ग्रुप जो भी है ये माइनस आई ग्रुप है, और आप तो माइनस आई ग्रुप से बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का जो पहला वीडियो जीओसी में है, एक पूरी सीरीज बनी हुई है वहां पर, ठीक है, देख सकते हैं। तो जैसे इसमें कौन कौन आता है, एनओ टू आ गए, सी एच ओ आ गए, ठीक है, और सी एक्स थ्री है, ठीक है, सी ओ ओ एच है, ओ एच है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एडोन है, तमाम है ऐसे। कोई भी माइनस आई ग्रुप है यहाँ पर तो देखिए क्या होने वाला है। अगर माइनस आई ग्रुप है तो आप जानते हैं माइनस आई ग्रुप के टेंडेंसी को, माइनस आई ग्रुप के नेचर को, तो माइनस आई ग्रुप में ऐसे टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है यहाँ पर। तो जब ऐसे बांड टूटेगा तो कार्बोकैटायन मात्रा यहाँ बनेगा, यानी कि जो एडिशन रिएक्शन होगी वो मार्कोनी काप के नियम के अकॉर्डिंग होगी या फिर मार्कोनी काप के नियम के अपोजिट होगी, आप बताइए। मार्कोनी काप नियम तो ये कहता था कि हमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जोड़ना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल किस पर जोड़ना होगा, मार्कोनी काप के नियम के अकॉर्डिंग बताइए किस पर जोड़ना होगा हमें, मार्को इस पर सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन हमें कहां जोड़ना होगा ये मैं कहना चाह रहा था। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजन हमें जोड़ना होता है उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर, जैसे देखिए इस पर, जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है, पर यहां पे हमें कहां जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिजेंट, इस पर जोड़ना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई माइनस आई ग्रुप से एल्किन सब्स्टिट्यूटेड है तो वो कैसा फॉलो करता है, कौन सा रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए यहाँ पर NO2 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आप HCl का एडिशन करा रहे हैं L2O3 की प्रेजेंस में, तो दोस्तों आप ये देखिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसी होनी है और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, वो मार्कोनी काफ के नियम के अपोजिट बनेगा। तो ये बन गया CH2Cl इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए CHO है और CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो भी मार्कोनी काफ के नियम के अपोजिट होगा क्योंकि यहाँ भाई एक माइनस आई ग्रुप से ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे CHO माइनस आई ग्रुप है ऐसे। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा दोस्तों, CHO है यहाँ पे और CH है, H आया यहाँ पे, CH2Br बन जाएगा। तो इस तरह से एंटी मार्कोनी काप रूल तब लगता है जब एल्किन सब्स्टिट्यूटेड होती है माइनस आई ग्रुप से। अब और भी इसके कई चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके आगे चलिए देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पराक्साइड है HBr के साथ तो क्या होगा, मार्कोनी काप रूल कैसे तब चलेगा, आइए देखा जाए। अगर यहाँ पे पराक्साइड है दोस्तों, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है, यहाँ पे कोई पराक्साइड है, मैं मान लीजिए ये लिया C6H5 CO का होल ट्वाइस O2, एक यहाँ पे पराक्साइड है बेंजोइल पराक्साइड, यहाँ पे एक लिया मैंने C6H5 CO। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली मार्कोनी काप के नियम के अपोजिट एडिशन होता है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट, गले में खरास आती ना ऐसे ही, खैरस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खैरस इफेक्ट बोलते हैं, जो इस तरह का एडिशन होता है पराक्साइड की प्रेजेंस में दोस्तों, ठीक है, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको, खैरस इफेक्ट बोलते हैं।
अब आइए देखते हैं कैसे होता है, समझते हैं। हमारे एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म दिया है, फिलहाल देखिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। ये भी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है, मार्कोनिक ऑफ से संबंधित जितने भी है, या ये बताइए, ये कहना चाहता हूं मैं, जितना एल्कीन या अल्काइन की रिएक्शन है, लगभग आप देखिए कैसे पूरी कंप्लीट आपको समझ में आ जाती है आज ही, ठीक है। तो मैकेनिज्म चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे C6 है, H5 है, सी डबल बॉन्ड O है, मतलब ये वाला, अच्छा ये दो बार है, बीच में दो O2 है, यानी परऑक्साइड बॉन्ड है इस तरह से दोस्तों, C6 H5 है। तो यहां पर ये जितना भी परऑक्साइड वाली मैकेनिज्म होती है, मैक्सिमम में या आपका ये सब में लगभग फ्री रेडिकल, ठीक है, जैसे फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें, इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। हालांकि हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि भी मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ चला है, यहाँ समझ लेते हैं। तो ये देखिए कैसे ब्रेक होने वाला है, C6, वैसे मैं छोटे ही दिखाऊं ताकि यहाँ पे और कई चीजें दिखा सकूं। तो C6 है, H5 है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O फ्री रेडिकल बना, ये दो बन जाएगा यहां से, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होमोलिटिक क्लीवेज है दोस्तों। होमोलिटिक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बताइए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होमोलिसिस में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, किसमें होता है, होमोलिसिस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इसने लिया, एक इसने लिया, बन गया ये। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है इसके बाद, मैं इसको अलग से ले आ रहा हूं, C6H5 सी डबल बॉन्ड O यहां पर है ऐसे, तो इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल होने के लिए यहां से ब्रेक होगा, तो बना क्या यहां पे हमारा, सी का एक डबल बॉन्ड पहले से था ये वाला, यहां एक इलेक्ट्रॉन आया इस जगह पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पहले से है, तो ये भी यहां से फ्री हो गया बॉन्ड, ये टूट गया तो फ्री हो गया, और यहां पे बचा क्या फिर, C6H5 का ये फ्री रेडिकल बचा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस नहीं है तो ठीक है। तो ये शुरुआती दौर होता है जिसको चेन इनिशिएशन भी बोल सकते हैं, शुरुआती दौर, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में ये ऑर्गेनिक में दिया है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन में, तो ये मेरे ख्याल इतना आपके समझ में आ गई होगी। और आप देखिए चलिए फिर क्या होने वाला है, फिर ये जो बना है C6H5 पहला स्टेप है, मान लीजिए 1 2 3 4 कर रहा हूं मैं, तो ये दोस्तों अटैक करेगा आपकी बार HBr पे, यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर तो बनने वाला क्या है, यहां पे जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो C6CH5 सॉरी यहाँ पर ये कि इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक अलग होगा, इसके साथ जुड़ के C6H6 मिल गया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना दोस्तों। देखिए एक तरफ से काम हो रहा है, पहले ये इसका फ्री रेडिकल बना, फिर इसने अटैक किया इस पर, अब यहाँ से ब्रोमीन मिला, ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा, मतलब ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा एल्किन पे। चलिए देखते हैं तीसरे स्टेप में क्या होने वाला, RCH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये संभावनाएं हैं दोस्तों, अच्छा होमोलिटिक क्लीवेज तो होगा लेकिन ये बीआर अटैक करने वाला, ये बात तो मैं बताना था मुझे, तो यहां पर ऐसे बीआर अटैक कर रहा है, तो यहां पर देखिए एक इसके पास आएगा, एक इसके पास है, मतलब मेरे पास हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो अलग अलग जगह जोड़ने की फ्री रेडिकल, मैं यहां जोड़ दिया पहली बार ब्रोमीन को, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहां पर फ्री रेडिकल है, ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहां पर CHBr है और यहां पर CH2 फ्री रेडिकल। अब इन दोनों में दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये बताइए आप, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा किसमें, इन दोनों में से इसमें से और इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसके जस्ट बगल में जो है इस कार्बन पे, इसको आप बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी का फ्री रेडिकल है, एकदम कार्बोकैटायन जैसा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, तो ये इस पर अल्फा कार्बन है, इसके बगल इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, जबकि इसके बगल सिर्फ एक अल्फा कार्बन है, ये ज्यादा बगल वाला ये बीटा कार्बन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इसके बगल एक किधर है अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपने हाइपर कंजुगेशन के मेरे वीडियो में ये बातें सीखी है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा मोर स्टेबल।
और ये क्या होगा दोस्तों, इसके कंपेयर में लेस स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल एक हुआ और एक क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। अब जो मोर स्टेबल हुआ एक और एक लेस स्टेबल हुआ, तो फिर अब ये फाइनल प्रोडक्ट बनने की बारी है। आगे चलिए देखते हैं कि अब फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है। इसमें फोर्थ में देखिए RCH, ये CH2Br है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला हमारा। फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों इस तरह से बनेगा, ये फिर से ये बराबर टूटेगा। और ज़्यादा स्टेबल वाले मैं बना रहा हूँ क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो ये बन गया हमारा RCHH और CH2Br, ठीक है। ये हमारा बना मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है, वो बनाता है दोस्तों मेजर प्रोडक्ट बनाता है। जो मोर स्टेबल होता है वो क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इस तरह से मेजर, इस तरह से कुछ इसकी मैकेनिज्म है। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी ये खैरास इफेक्ट की। तो और आगे हम लोग चलते हैं इसमें। एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार देखिए, पूरी तरह से ये समझ में आएगी। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। चलिए फिर आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जनरल मैकेनिज्म क्या होती है। ये तो मार्कोनी काप से हम लोग पहुंच गए थे एंटी मार्कोनी काप में। मैंने कहा कि ये कैसे होता है आपको समझा देते हैं, अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्या है मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन है दोस्तों RCH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अटैक करने के लिए है HNU है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए, यहां पर सबसे पहले बनता है RCHNU और बनेगा दोस्तों CH3। ये तो फिर कैसे ये होता है ऑपरेट, आइए देखा जाए। बहुत ही आसान से सरल भाषा में समझते हैं कि कैसे ये होता है ऑपरेट। आइए देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2 है दोस्तों, इस पर सबसे पहले जो अटैक होने वाला है वो किसका होगा, वो होगा H+ का। तो जब H+ का सबसे पहले अटैक होगा, बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे इस तरह से, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक बात और समझने वाली बात है यहां पर, यही डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे दोस्तों, डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे दोस्तों, डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता हुआ दोस्तों, क्योंकि ये जो है यहां पर डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप होते हैं इसके, वहां पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन जो है जा करके पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके स्टेप फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि टू स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या बोला था, टू स्टेप रिएक्शन होती है। तो H+ है यहां पर, डबल बॉन्ड है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये क्या बना लेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया। पाई कॉम्प्लेक्स है क्या चीज यार, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब मान लीजिए बॉन्ड दो तरह से टूट रहा है, इसको मान लीजिए दूसरा है, इसको मान लीजिए पहला कार्बन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, H+ ऑन कार्बन 2 यहां जुड़ा दोस्तों, तो ये बन गया आपका, तो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, तो ये CH2+ बचा, यानी कि बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ ऐसे, ठीक है। फिर मान लीजिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ आपका, सेकेंडरी कार्बोकैटायन आप बना रहे हैं, तो एडिशन ऑफ H+ होगा ऑन कार्बन 1। तो ऐसे केस में दोस्तों ये बन जाएगा ये CH3। अब आप बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आप हमेशा जानते हैं कि हमेशा सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है,
तो सेकेंडरी कार्बोकटायन क्या है दोस्तों, सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। वजह है कि इधर प्लस आई या अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए ज्यादा आएगा इसमें, यहां सिर्फ एक या दो मिलेंगे। तो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन जो है ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा। अब आप कंफ्यूज में मत पड़ेगा कि अल्फा अल्फा क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हाइपर कंजुगेशन वीडियो देख लीजिए, अभी देख लीजिए एक मिनट। जैसे ये जिस पर प्लस है इसके बगल वाला अल्फा है, इसके बगल वाला अल्फा है, और ज्यादा बगल वाला बीटा होगा, बीटा तभी हम एलिमिनेशन में देखने वाले हैं, इधर कोई काम नहीं बीटा का। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड है ज्यादा स्टेबल वाला। तो ये स्टेप सेकंड में इस पर कौन अटैक किया दोस्तों, ये होने वाली है फास्ट, चूंकि ये स्लो होती है, जो स्लो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये यहाँ पे एच प्लस स्लोली जुड़ता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला, सॉरी एडिशन बोला जाता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी के साथ जुड़ेगा, बहुत तेजी के साथ जुड़ा फास्ट, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया, एक्चुअल में ऐसे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपके समझ में, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपके समझ में प्रॉपर आ गई है। तो मैं इसको करता हूँ, मतलब ये पूरा मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई है, आप इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए समझ में, ताकि और चीजें आती रहें, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है, इसके आगे दोस्तों मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों और चीजों का। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आपने जो मैकेनिज्म में देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करेगी, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन दोस्तों यहां पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी। अब देखिए जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, एच एच है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ऐसे तमाम है, मतलब तीन में हम पहले कंपेयर करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो बताइए इसमें ऐसे आपने ब्रेक किया तो कार्बोकैटायन यहाँ बना, कहीं भी बने ठीक है, यहाँ इसे ब्रेक किया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर हमने कार्बोकैटायन बनाया फिर ब्रेक करके। तो इन तीनों में एक काम करते हैं हम लोग, साइड में कार्बोकैटायन बनाते चलते तो आपको स्पष्ट नजर आएगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2 है, अब ऐसे CH3 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2 है, अब चलिए हम बनाते हैं। तो यहां पे दोस्तों बना CH2+, ठीक है, और CH2, तो कार्बोकैटायन यहां बना, मान लीजिए यहां पे हम लोग जब भी बनाते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन जोड़ ही देते हैं, तो H+ ही है, क्योंकि आपसे पहले ही बात किया था कि वो रीजन देते हैं जो ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आकर अपना प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है, CH3 है, CH+ है, CH3 है। कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें है, चलो देखते हैं भाई, उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी सबसे ज्यादा। तो देखिए इसमें कार्बोकैटायन तीनों में इसके पास एक प्लस आई ग्रुप, मैंने यहाँ पे सही से लिखना नहीं लिखा अभी सही से, तो इसमें इसके पास जो है एक प्लस आई है, इसके पास दो प्लस आई ग्रुप है, इसके पास तीन तीन प्लस आई ग्रुप है, नंबर एक बात से पता चल गया सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। दूसरा तरीका है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखने का, इसके पास जो है तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास छह अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास तीन तीन छह तीन अल्फा हाइड्रोजन है, नौ अल्फा हाइड्रोजन इसके बाद, तीन तीन छह तीन नौ, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। तो इसके बाद देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाद, अब है वो दौर जब आप करने वाले हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप कैसे एल्कीन का कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। हम यहाँ लिखते चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को जिनको आप अभी करने वाले हैं मेरे साथ। जैसे RCH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 है, चलिए ठीक है, HX है, HOX है, H+ की प्रेजेंस में है, HOH है, सॉरी H2O है कहानी मतलब, अच्छा ROH है H2SO4 और R-C डबल बॉन्ड O-H है,
और ये भी H2SO4 प्रेजेंस में है, और फिर है हमारे पास एक HOX है। फिलहाल तो ये शुरुआती दौर है, हम मैकेनिज्म बहुत ढेर सारा भी देखने वाले हैं और इसको पहले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, H+ HSO4-, तो सारी तरह से आप ठोक पीट कर बजा कर चेक कर चुके हैं कि कौन कहाँ जुड़ता है, मार्कोनी काफ को देख करके स्टेबल कार्बोकैटायन बना करके तमाम तरीकों से आप समझ चुके हैं कि अब कहाँ पर निगेटिव जुड़ता है, कहाँ पर पॉजिटिव जुड़ता है। तो हम बांड को ऐसे जोड़ेंगे क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो RCH, अब यहाँ प्लस आया तो माइनस वाला इसके पास जुड़ा HSO4। कई बार OSO3 दिया जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, इससे OHSO3 करके देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जुड़ेगा आप यहाँ पर CH3, तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बना। ठीक है, पहले बताया मार्कोनी काफ के नियम से आप एल्कीन की हाइड्रोकार्बन पोर्शन में एल्कीन में जितनी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है सारी रिएक्शन आपको आ जाएगी, जो नहीं दी है वो भी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो RCHX और ये CH3। ठीक है, यक्स मतलब यहाँ पर X2 का मतलब होगा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तमाम इस तरह हो सकते हैं। इनकी रिएक्टिविटी का आर्डर भी हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और एल्किल हैलाइड सॉरी एल्किन्स का भी देखेंगे। एल्किन का तो आप समझ गए हैं, कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। HOH, H+ OH-, तो RCHOH और CH3 एक बढ़िया सा एल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, एक बढ़िया सा एल्कोहल मिल रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, इसका एडिशन कराएंगे तो RCHOR और CH3 एकदम सेम टू सेम जैसे ये जुड़ता है, पर ये प्लस माइनस का याद रखिएगा, ऐसे ब्रेक होता है। कैसे क्यों होता है, कई कई जगह पढ़ने वाले हैं क्यों ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर जोड़िए आप RCH, ठीक है, O, ठीक है, CO, ऐसे डबल बॉन्ड O, R- और ये CH3। HOX कब भी गलती नहीं करना है, सबसे ज़्यादा गलती सिर्फ करते हो प्लस माइनस ऐसे, तो ये बन गया RCH OH और CH2X। ऐसे तमाम रिएक्शन है जिनको कभी भी याद ही नहीं करना है, रिएक्शन को कभी भी याद ही नहीं करना है, रिएक्शन सिर्फ समझने की चीज़ है और इसको समझा जा सकता है, आसानी से समझ में आती है। चलिए देखते हैं और आगे इसके, ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन के बाद अब कुछ हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे इसके बाद, जो अच्छे से समझ में आए आपको, जल्दी देखते हैं इसके बाद। इन सब रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे RCH है, डबल बॉन्ड CH2 है इसके, और यहाँ पर हम लोग जोड़ने वाले हैं हाइड्रेशन चुकी कराने जा रहे हैं, तो वाटर जोड़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी क्या है मैकेनिज्म, क्या है इसकी मैकेनिज्म, आइए देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर है वाटर, और वाटर में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर है एसिड से पाया हुआ H+, तो इस पर अटैक करेगा, बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, इसको बढ़िया समझिए। अब मुझको ये बताइए कि ये प्लस यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे शिफ्ट हुआ। यहाँ पर इसके पास जो है लोन पेयर, और इसके पास क्या है लोन पेयर है, मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन तो है पर न्यूट्रल है। चार्ज कब होगा, जब प्लस या माइनस रहेगा। चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है। तो एक बांड को जब आप ब्रेक होते करते हैं तो उसमें प्लस या माइनस के रूप में टूटता है। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है जब इसके पास जाएगा तो ये न्यूट्रल कब है, न्यूट्रल कोई चीज कब होता है, जब उसमें प्लस बराबर माइनस होते हैं, प्लस माइनस दोनों बराबर होते हैं तो न्यूट्रल होता है, यहाँ प्लस माइनस बराबर है। तो इसका जो माइनस है इसके प्लस के साथ मिल करके बांड बना लिया, कोई भी बांड मान लीजिए, ये बांड बना लिया। जब इसका माइनस निकल गया इसके प्लस साथ बांड बनाने के लिए, तो माइनस प्लस बांड बनाते, इसके बाद बचा क्या, फिर प्लस बचा, वो प्लस ये है। मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसमें न्यूट्रल क्यों है, प्लस माइनस बराबर है। तो और एक बांड जब आप ब्रेक करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये है माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस में मिलता है, ठीक है, टूटने के बाद प्लस माइनस में ऐसे होता है।
तो यहाँ पर जब ये बांड बनाने इसके पास जाएगा न्यूट्रल के पास, तो इसका प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बांड बनाने के लिए, तो इसके पास बचेगा क्या, सिर्फ प्लस, तो वो प्लस ये है। आइए और देखते हैं सेकंड स्टेप में, देखिए महाराज इसको समझिए बढ़िया से, जैसे यच वो यच है इस पर ये, अब आपने ऐसे फिर इसको अटैक किया, और ऐसे अटैक करने का आप वैलिड रीजन जानते हैं कि क्या है, कि इससे सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले इसको फ्री करते हैं ताकि प्लस मिले, तो एच टू ओ तो हमारा ये मिल गया। चलिए देखते हैं और क्या, यहाँ जो एच प्लस आया वो आके यहाँ पे जुड़ा और हमारा ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, ठीक है। सेकंड टाइम एकदम एक एक स्टेप बहुत आराम समझिए, मैकेनिज्म तो बहुत आसान है, और उससे ज़्यादा आसान आपने देखा भी कि केमिकल रिएक्शन से कभी भी रटना ही नहीं है, केवल समझना होता है, रिएक्शन कभी भी नहीं रटना है। तो जैसे देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस है, अब इस पर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, वाटर हमारे पास है, इसके पास एक्चुअली फिर से इधर अटैक हुआ, तो ये बना हमारा आर सी एच ओ प्लस एच एच ऐसे, और ये सी एच थ्री, ठीक है, ये बना, सॉरी यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना के, ये था एक्चुअली, इस वाले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी समझ में आया आप होगा आपके, आर सी एच सी एच थ्री है, यहाँ पे ऐसे है प्लस है, फिर आपने ऐसे ब्रेक किया, आप चाहे तो यहाँ वाटर के साथ ही इसको ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही एच प्लस को ले जाइए, आर यहाँ बचा ओ एच सी एच पे, और यहाँ बचा सी एच थ्री, और ये हो गया भाई एच प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो गया एच प्लस, एच प्लस फिर से मिल गया, कैटलिस्ट फिर से मिल जाता है किसी रिएक्शन में। तो ये रही इसकी मैकेनिज्म, सिंपल सी मैकेनिज्म, स्वीट सी मैकेनिज्म, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से लिखिए, और आप इस समझ चुके हैं कि यहाँ प्लस आया कैसे, ओके ठीक है। तो मैं दूसरी मैकेनिज्म पे बात करता हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में ये बातें आ रही हैं, इसलिए हम इसकी मैकेनिज्म सेकंड मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और इसमें कहूँगा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे H2O है, H2O की जगह पे अगर हम एल्कोहल लेते तो क्या होता, एल्कोहल भी ऐसे ही एच प्लस लेता, मैकेनिज्म एकदम ऐसे होती, प्रोडक्ट भी एकदम ऐसे ही बनता। चलिए देखते हैं, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, जैसे मैंने कहा एल्कोहल लेते तो क्या होता, CH3OH है, एसिड की प्रेजेंस है, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए अच्छा वाला कोई भी, ठीक है, तो जैसे ये है, तो ये माइनस ये प्लस, मार्को निकाल जिंदाबाद, OCH3 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं एक और बहुत शानदार रिएक्शन को, जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। पहले तो मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं, फिर देखते हैं क्या बनता है इसमें। आर सी डबल बॉन्ड सी एच टू है दोस्तों, और इसमें है एच जी, ओ ए सी लिख सकते हैं साठ में थोड़ा, और एच टू ओ मैं जोड़ रहा हूं तो एच टू ओ लिखूंगा, और एन ए बी एच फोर, और यहां पे बनने वाला प्रोडक्ट है आर सी एच ओ एच, और यहां पे सी एच थ्री बनने वाला है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग अभी देखने चल रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो जिसको मैकेनिज्म इंटरेस्ट ना हो तो क्या उसको रिएक्शन आ सकती है ये सब? दोस्तों मैकेनिज्म किसी एग्जाम में क्या आता है, नीट में नहीं आता है। मैकेनिज्म हम लोग फिर पढ़ते क्यों हैं? मैकेनिज्म समझ डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं। तो बिना मैकेनिज्म के फिर भी आप सवाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, जो भी आएगा क्वेश्चन उसको कर सकते हैं, आसान है। कैसे? ये सीधे मार्कोनी काफ नियम, जहां पर ऑक्साइड डी रहेगा ठीक है, वहां मार्कोनी काफ का नियम का अपोजिट होगा, यहां पर ऑक्साइड वगैरह नहीं है, ये सीधे मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग करता है। अब सवाल ये है कि रीअरेंजमेंट क्या होगा इसमें या नहीं होगा, क्या इससे पहले जो पढ़े थे उसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों जहां साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें बनेगा भी, हम बनाने वाले हैं, जहां साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है
वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, जहां साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जहां पर साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, आइए चलिए मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है सर। ठीक है, अच्छा एक तो ये था, दूसरा ये था कि अगर मान लीजिए ऐसे एल्किन पे आप जोड़ेंगे, मतलब यही रिएक्शन सेम टू सेम करा रहे हैं आप, या जी ओ ए सी है का होल ट्वाइस, ये H2O है, ये NaBH4 है, तो कैसे इसमें जुड़ता है। ठीक है, इस तरह से भी आप करा सकते हैं या यहाँ पर ले सकते हैं कुछ हैवी भी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ समय के लिए CH3 लिख दिया, यहाँ पे एक D लिख दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, ये एंटी एडिशन कराता है। और क्यों कराता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एंटी एडिशन केवल तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन साइक्लिक इंटरमीडिएट से होता है। एंटी एडिशन कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन साइक्लिक इंटरमीडिएट से होता है। रहस्य की बात आज पता चल रही होंगी, बहुत रहस्य की बात है, अभी समझिए, कुछ रहस्य वहस नहीं है, सीधी सीधी बात होता है। अगर साइक्लिक इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो एंटी एडिशन होता है, सीधी बात है। अगर उसे नहीं होता तो सीन एडिशन होता है। चलिए देखते हैं एंटी एडिशन के लिए। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये CH3 है, तो यहां पे नेगेटिव पार्ट रिजेंट का यानी कि OH- है और H+ है, ऐसे नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, वो डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो तो यहां पे नेगेटिव आपने जोड़ा और OH इधर जोड़ लिया इस तरफ। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होने वाला है आपके साथ, चूंकि एंटी एडिशन करेगा तो D इधर गया, H इधर गया, तो ये अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, इसी को एंटी एडिशन बोलते हैं। थोड़ी देर बाद जब ब्रोमीन का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा तो समझ में आई बात, जहां पर साइक्लिक रीअरेंजमेंट या साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जहां पर साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखना था हमें ऊपर वाली रिएक्शन की, सबसे पहले देखते हैं ये चीज क्या है, ये चीज है मर्क्यूरिक एसिटेट यानी कि OCOCH3 का होल ट्वाइस, इसको आपने दिया तोड़ बन गया ये, तो आप कर ही क्या रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसको जोड़ा उसको तोड़ा। ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट में इस तरह से ही आया दोनों। अब इसका अटैक होगा किस में, RCH डबल बॉन्ड CH2 पर, अब इस पर अटैक होगा, हम सेकेंडरी कार्बो कैटायन हमेशा की तरह बना रहे हैं, इस पर होने वाला है ये जोरदार अटैक। चलिए देखते हैं, तो ये जुड़ा इससे RCH और CH2, यहां कार्बो कैटायन जैसा हमेशा जनरेट होगा, यह GOC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इस तरह से जुड़ा दोस्तों, पर इसका ये काफी बड़ा आइटम होता है, मरकरी काफी बड़ा आइटम होता है, इसके जैसे कि आउटर से इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है एज कंपेयर टू वीक होता है, तो ये बाहर से अट्रैक्शन देख रहा है, बाहर से इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब ये बाहर वाला अट्रैक्शन है, एक नहीं नहीं घर वाला अट्रैक्शन है, ये बाहर वाला अट्रैक्शन है। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए आप साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, पूरी तरह से बांड के रूप में दिखा सकते हैं यहाँ पे प्लस लगा करके। चलिए ठीक है, उसको हम लोग दिखाएंगे, लेकिन ऐसे आप समझिए इसको कि ये यहां से आके जुड़ेगा सबसे पहले, लेकिन इसका अट्रैक्शन यहां से भी लगेगा। सेकंड स्टेप में देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अट्रैक्शन खत्म करेंगे, OCOCH3 है, और इसका अट्रैक्शन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है वाटर, इधर जोड़ा तो ये बना हमारा दोस्तों, ये ओ है, एच है, एच है, प्लस है इस पर, और यहां पे बना CH2 या GOC डबल बॉन्ड OCH3, ये इस तरह से बना। ठीक है, और एक स्टेप में और हम यहां पे अभी तुरंत कर लेते हैं इसका वो H+। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, समझिए स्टेबिलिटी उसकी उतनी नहीं होती है, तो ये बना यहां पे RCH OH CH2 या GOC डबल बॉन्ड OCH3 इस तरह से। अब इसका हम लोग दोस्तों ये हुआ आपका ऑक्जी मर्कुरेशन, अब कराएंगे दोस्तों इसका डी मर्कुरेशन। आप NaBH4 के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये निकालेगा इस चीज को यहां से, सॉरी यहां पे मैं क्या क्या लिख दिया, ये GO है, C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये दोस्तों यहां पर बनाएगा RCH OH CH3
बाकी चीजें यहां से साइड प्रोडक्ट रूप में निकल जाएंगी। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। ठीक है, नोट करने के बाद हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत ही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नोट हो गई होगी और ये आप समझ भी गए होंगे प्रॉपरली। आप वीडियो को धीरे धीरे चला चला करके, रोक रोक करके, पांच कर करके, एक एक बात को सुन सुन करके, समझ समझ करके मैकेनिज्म समझ जाइए। और न समझ में आए तो मार्कोनी काफ रूल से एडिशन कराना है। जब भी ये रीजन देखिए, वाटर है, एच प्लस ओ एच माइनस करिए, मार्कोनी काफ नियम से एडिशन करा दीजिए, है ना। सरल है, काफी सरल है, ऑर्गेनिक बहुत सरल है और उसको सिर्फ आपको समझना है अच्छे से। और इसलिए भी समझना है जो 11th के लोग देख रहे हैं, क्योंकि 12th में एक किताब ही ऑर्गेनिक की है। बढ़िया समय डेवलप करेंगे तो मेहनत बहुत कम पड़ जाएगी, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे बताऊं मैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही सारी केमिस्ट्री की, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एकदम ढेर सारा रिएक्शन ले आके इधर ही पढ़ा देने वाला हूं, मान लीजिए 80% तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन। चलिए फिर से मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है दोस्तों इसकी, एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन की। सिंपली जैसे मान लीजिए इसमें आप जोड़ते हैं ब्रोमीन Br2 CCl4, ऐसे जोड़ रहे हैं तो बनेगा कुछ कुछ ऐसा। तो इधर एक ब्रोमीन जुड़ा, इधर एक ब्रोमीन जुड़ा, एंटी एडिशन होता है। अब क्यों होता है एंटी एडिशन, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जहां जहां साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं सब में होता है एंटी एडिशन, तो इसमें भी एंटी एडिशन है। चलिए देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं एक और, जैसे आर है, एच है, C11C है, इधर भी आर एच कर दिया, कुछ भी इस तरह कर दिया, मतलब कुछ भी इस तरह कर दिया, तो ये Br2 है, CCl4 है, इधर भी जोड़ा हमने, तो ये बना एंटी एडिशन, जैसा कि हमें सकता है एंटी एडिशन, एंटी 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 एडिशन, तो ये RH हुआ और इधर ब्रोमीन हुआ। समझ में आया होगा कि ये एंटी एडिशन है, मतलब ये जुड़ा तो हुआ, कैसे हुआ, मैकेनिज्म पे आइए। चलिए बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हम इसको करते हैं रफ और देखते हैं कि कितना है ये टफ। बिल्कुल भी टफ नहीं है, है बहुत ही ईजी, हमेशा की तरह सब चीजें बहुत ही आसान होती हैं और केमिस्ट्री उसमें से एक है, सबसे आसान चीजों में से, जैसे कि आप देख रहे हैं। पर कुछ लोग कह रहे होंगे कि कैसे आसान है, देखिए कितना आसान है। जैसे ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, तो जानते हैं इसके पास लोन पेयर है अपने, और यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कुछ कम थोड़ी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनके बीच में भाई होगा रिपल्शन। और जब रिपल्शन होगा, जब ये अप्रोच करेंगे दूसरे को, रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये Br2 का पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनका पोलराइजेशन होगा, तो कुछ इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। जब पोलराइजेशन होगा तो फिर शुरुआत करते हैं इसका, हम लोग बनाते हैं कुछ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे दोस्तों ये C है, CrH है, यहाँ पे आ करके ब्रोमीन जुड़ा, इस तरह से ये ब्रोमीन जुड़ गया। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी जो है हम इसको कई तरह से रेजोनेंस के जरिए दिखा सकते हैं, तमाम तरीके से दिखा सकते हैं। RH है, C है, ऐसे ऐसे वाला अट्रैक्शन दिखा सकते हैं हम इसके बीच में, ब्रोमीन के बीच में। ठीक है, यहाँ R है, H है, तो इसको पार्शियल निगेटिव, एक इधर भी इस तरह बना सकते हैं, फिलहाल हमें इससे काम हो जाएगा। तो ये इस तरह से आया और यहाँ पे फ्री हुआ माइनस Br। ठीक है, Br जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगले स्टेप में इसमें क्या होने वाला है। सेकंड स्टेप में हम इसको साइक्लिक, यहाँ देखिए साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर कहीं भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सीधे सीधे कोई काम होता है। तो यहां भी बन रहा है साइक्लिक इंटरमीडिएट, तो जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो देखिए क्या होता है, सी है, सी है, आर है, एच है, इधर बी आर है, यहाँ प्लस है, ये ऐसे टूटा आपका। ठीक है, ये ऐसे आपका ब्रेक होने वाला है यहाँ का बांड, तो यहाँ बांड जब ब्रेक होगा इसका, तो देखिए क्या होने वाला है इसमें।
जैसे बांड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक Br- हमारा यहाँ बचा हुआ था वो आया है आएगा और अपोजिट साइड में अपोजिट प्लेन से इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अपोजिट प्लेन से इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और ये आर एच इस तरह से अपना ये बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कौन सा इसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है दोस्तों जहां प्लस होता है वहां ईएम लग जाता है, ब्रोमीन है ही ब्रोमिनियम आयन, ईएम लग जाता है, ब्रोमिनियम आयन है ये, ठीक है। इसको और भी अगर आप दिखाना चाहें तो स्टेबिलिटी को तो आप ऐसे भी मतलब इस तरह से भी वो दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आरएच जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है उसको आप कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक बार फिर से, मैं अभी इस बारे में इसको बढ़िया समझा, मुझे लग रहा है कम समझ में आया आपके। जैसे ये यहाँ पर अप्रोच करेगा, मान लीजिए Br2 कंडीशन कराने जा रहे हैं कि एल्किन में अप्रोच करेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, यहाँ भी रिपल्सन है, तो इन रिपल्सन के कारण जो है इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। तो एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का बांड ब्रेक होने के बाद ये यहाँ पे आकर इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर दोबारा से सेकंड स्टेप में हम ब्रोमिनियम आयन को उठाते हैं, ठीक है, ब्रोमिनियम आयन को एक्चुअली यहाँ पर जिधर से बांड तोड़ेंगे उसको अपोजिट वाला जोड़ना है हमें, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको नीचे दिखाया था, हम बांड तोड़ने की दिशा थोड़ा ऐसे रख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। जैसे आपने इसको ऐसे तोड़ा तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव रह गया, ऐसे बांड तोड़ है ना, तो ये तो न्यूट्रल हुआ ये, और यहाँ पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव रह गया, दूसरा ब्रोमिन यहाँ पा करके अपोजिट फेस से अटैक करके इस तरह प्रोडक्ट बना लिया। अब की बार तो पक्का समझ गए होंगे, समझ गए ना, चलो ठीक है। तो ये एंटी एडिशन का रिएक्शन है, उदाहरण है भाई, एंटी एडिशन का उदाहरण है। कौन सा? एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन का उदाहरण, एंटी एडिशन कब होती है? जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तब एंटी एडिशन होता है। और अगर एंटी एडिशन होता है तो वहां पे कार से जाना होता है, मतलब सीस एल्कीन एंटी एडिशन और क्या बनेगा इसमें, रेसेमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है रेसेमिक मिक्सचर। जैसे ये सीस एल्कीन या जेड एल्कीन, सीस एल्कीन को और क्या बोलते हैं, जेड वाला पढ़े हो ना आप, जेड एल्कीन है, ये CH3 है, ये H है, Br2 कर रहे हैं, ये CCl4 नामक सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, CCl4 में, कौन डिजॉल्व है, Br2, ठीक है, CCl4 में डिजॉल्व है, ऐसे हमें मिलता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये CCl3 में जब एडिशन कराते हैं तो हमें रेसमी मिक्सचर मिलता है भाई, कारवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। रेसमी मिक्सचर क्या होता है, एक ब्रोमीन इस पर जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इस पर जुड़ेगा, एकदम पक्की बात है। तो चलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक ब्रोमीन जोड़ा, अब CH3H है, CH3 है, सब कुछ ऐसे ही है, ये भी कार्बन ही तो है, ठीक है। रेसमी मिक्सचर कब बोलते हैं, जब इस तरह प्रोडक्ट बने इसका मिरर इमेज भी साथ बने, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म चैप्टर मुझे पहले पढ़ा था, पर जैसा आपकी डिमांड होती है, डिमांड ये हुई कि पहले GOC चाहिए तो हमने GOC पढ़ाया। यस CH3 है, CH3H है, ठीक है, ये बना, ठीक है, ये बना भाई आपका, ये रेसमिक मिक्सचर है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर है, रेसेमिक मिक्सचर है, ठीक है। अब अगर यहीं पर ट्रांस एल्किन होती, एंटी एडिशन होता, तब क्या बनता, मीजो प्रोडक्ट बनता। जैसे ट्रांस एल्किन है या ई एल्किन है तो क्या बनाएगा, मीजो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे CH3C डबल बॉन्ड C है, एच है, CH3 है, एच है, यहाँ पे Br2 कराया ट्रांस एल्किन है, या फिर ई एल्किन है, यहाँ पे Br2 CCl4 आपने कराया, तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। मीजो प्रोडक्ट मतलब यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, एच है, और एच सॉरी CH3 है, एच है। मीजो प्रोडक्ट की ये खास बात होती है, मीजो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, अरे मीजो प्रोडक्ट को बोलेंगे, मतलब किसको बोलेंगे मैं बता रहा हूँ, जिसमें कम से कम दो कीरल कार्बन, ये कीरल कार्बन है, ये भी कीरल कार्बन है, कम से कम दो कीरल कार्बन होना चाहिए, दो कीरल कार्बन होना चाहिए। होता क्या है कीरल कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चौथा ये पूरा ग्रुप। तो ये दो कीरल कार्बन होना चाहिए पहली बार मीजो होने के लिए किसी में, और वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कहाँ पे है, इसको बराबर इक्वल काटिए, एच एच को कवर करेगा, CH3 CH3 कवर करेगा, ठीक है,
और ब्रोमीन, ब्रोमीन को तो ये प्लेन आपसे मिट्टी है, तो ये मेजो प्रोडक्ट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कब बनता है? जब यहाँ पे कौन सी एल्किन हो, ट्रांस हो। और कौन कौन से ऐसे हैं जो सिस और सिस एडिशन और ट्रांस एडिशन कराते हैं? तो एक बात यहाँ मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि सिस एडिशन और कौन कौन कराते हैं या ट्रांस एडिशन कौन कराते हैं। पहले बताऊं किसका, पहले सिस की पहले ट्रांस, पहले ट्रांस देख लीजिए। एक तो ब्रोमीन है आपका, ठीक है, ब्रोमीन है, जैसे ब्रोमीन सीसीएल फोर है, इसको बोला पर एसिड है, पर एसिड है, सी ओ ओ ओ एच है, ठीक है, और इसको एस टी ओ प्लस की प्रेजेंस कर लीजिए, ए जी टू ओ है, ये सब है। और सिस ट्रांस एडिशन करा, मतलब कि एंटी एडिशन करा, सॉरी एंटी एडिशन, ये सब कराते हैं एंटी एडिशन। और सीन एडिशन कौन कराता है? सीन एडिशन वाले कई हैं, एस टू है, बेयर्स रिजेंट है, बेयर्स रिजेंट आप जानते हैं, ये सब भाई सीन एडिशन कराते हैं एल्किन के केस में। तो हम लोग इनको भी समय समय पर देख लेंगे अभी कुछ देर बाद। मेरे ख्याल से ये इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा, और एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना, इसको नोट कर लिया जाए। अब इसके बाद एक और है एडिशन रिएक्शन ऑफ बोरेन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बोरेन, इसकी भी मैकेनिज्म को एक अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है एडिशन रिएक्शन ऑफ बोरेन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ बोरेन। जिसके समझ में आए वो बस इतना ध्यान रखा कौन कहां पे मार्कोनी काफ लगता है, कहां पे एंटी मार्कोनी काफ लगता है, इससे काम आपका हो जाएगा। आरसीएच टू है भाई, बीएच थ्री है, अनस्टेबल होने के कारण टीएचएफ नामक सॉल्वेंट में घुला रहता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम रखते हैं जिसको ऐड करना है वाटर को, और यहाँ पे रखेंगे दोस्तों एनएओएच, कोई बेस रख लीजिए, एनएओएच रखा और H2O2 रखा, तो पराक्साइड है एंटी मार्कोनी काफ हो जाएगा, तो RCH2CH2OH, ठीक है, ये हुआ एक और जिसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। इसके बाद हम लोग एल्काइन का रिएक्शन सारा दे, एल्किन का, एल्काइन का दे करके इस वीडियो का इति श्री कर लेंगे, ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म की शुरुआत में, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर होने वाला है अटैक BH3 का, अटैक होने वाला है BH3 का, तो यहाँ बनेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड CH2 है दोस्तों, इस पर ये BH3 का अटैक हो चुका है, सावधान रहिए, और जब अटैक हो गया तो बन गया हमारा पाई कॉम्प्लेक्स। हमें छतरा जरा बता दीजिए मुझे कि आप पाई कॉम्प्लेक्स है क्या, ठीक है, जरा बता दीजिएगा कि पाई कॉम्प्लेक्स क्या है, मैं सुन रहा हूँ आप बताइए, ठीक है। पहले स्टेप में पाई कॉम्प्लेक्स हमें छतरा बनता है, ये स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद देखिए स्टेप सेकंड, ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन गया। सेकंड स्टेप में देखिए, मतलब जो पाई कॉम्प्लेक्स बना था थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, RCH2 है और यहाँ पर H, B, H, H, इस तरह से ये तीन था, तो पाई कॉम्प्लेक्स ऐसे पाई कॉम्प्लेक्स बना था ना, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं। तो एज कंपेयर टू ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू सबकी आपको पता है, हाइड्रोजन 2.1 है, और बोरॉन है, बोरॉन की कितनी है 1.5 है, इसकी 2.1 है, इस वजह से तो ये ऐसे बना ये पाई कॉम्प्लेक्स में। आगे देखिए इसमें क्या बनता है दोस्तों, इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अब डबल नहीं रहेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर यूज होने वाले हैं, ये BH2 बना, ये H है, ये पार्शियल पॉजिटिव है एज कंपेयर टू ये पार्शियल निगेटिव है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको समझिएगा अच्छे से। और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने का एक फायदा है, जैसे आपने इसको जोड़ा तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गया, बाकी पूरा BH2 इधर, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक बार यहां पॉजिटिव, एक बार यहां पॉजिटिव, आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दो कार्बो का टर्म बन ही सकते हैं, तो हम इस पर काम करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्या होगा। तो RCH है, CH2 प्लस है, इस बार BH2 यहां है और यहां पे H है, तो जैसा हम लोग बनाते हैं इस तरह से बना लिया। अब इन दोनों में यहां पर थोड़ा
पार्शियल साइक्लिक जो इंटरमीडिएट बना है, ट्रांजिशन स्टेट जो बना है, यहाँ पर थोड़ा कार्बोकैटायन कैरेक्टर आ रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे आप इसमें बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर सेंटर साइक्लिक कार्बोकैटायन की तरह बढ़ रहा है, फोर सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये, फोर सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बड़े आराम से आप देखेंगे सेकेंडरी है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन को कौन आगे बढ़ाएगा, ये वाला बढ़ाएगा। तो चलिए आगे हम इसको रफ करके बढ़ाते हैं, स्टेप थ्री होगा इसके आगे, आप इसको नोट करते चलेगा एक एक करके। स्टेप थ्री में इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, और लिखता हूँ इसके आगे का कार्यक्रम, ठीक है। RCH है, ये CH2 है, ये BH2 है। कुछ समय बाद दोस्तों ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट बहुत समय के लिए नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो है बहुत समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2CH2BH2 में, इस तरह से CH2CH2BH2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया फिलहाल। तो ये बना इसमें, अब ये कब तक रिएक्शन करेगा, देखिए ये फिर फर्दर एक एल्किन से रिएक्शन करेगा कुछ इस तरह से, RCH2CH2, फिर ये रिएक्शन किया भाई RCH2CH2BH2 से, ये ऐसे रिएक्शन करेगा, तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक इसका हार्डवेयर पूरी तरह रिप्लेस ना हो जाए। RCH2CH2 ये दो बार हुआ, ये हुआ भाई BH, फिर फर्दर इससे रिएक्शन करेगा एक से और, यहाँ पर RCH2CH2, फिर ये क्या बना लेगा, ये RCH2CH2, ये तीन हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। फाइनली वो चीज़ मिल गई जिससे आगे हम प्रोडक्ट फार्मेशन का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट फार्मेशन कार्यक्रम शुरुआत करेंगे इसके आगे, और इसकी मैकेनिज्म आपके समझ में पूरी प्रॉपरली आ गई होगी, नहीं तो फिर वीडियो को रोक रोक के दो तीन बार देख लीजिएगा। ट्राई एल्किन बोरेन, ट्राई एल्किन बना, ट्राई एल्किल बोरेन इसका नाम है। अब इस पर दोस्तों सारी रिएक्शन होती है, सारी रिएक्शन का मतलब जितना भी H2O2OH- है इस पर आप जोड़िए, आपको मिल रहा है अच्छे से ये चीजें, ये प्रोडक्ट आपको फिर मिलना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, और बाकी H3BO3 वगैरह जो भी जाएगा वो सब जाता रहेगा। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ दोस्तों इस तरह की होती है, एक चीज़ ये है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ के नियम से देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट की संभावना है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ये रिएक्शन होती हैं समाप्त, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, एल्काइन में ये रिएक्शन से देखते हैं। एकदम ऐसी ही होती हैं और बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से आप सारी रिएक्शंस को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं एल्काइन्स में कैसे होती हैं। मान लीजिए RC CH है, ठीक है। अब आप इसके बनाएंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे X2 है दोस्तों, 1 मोल है, मैंने लिया X2 लिया, यहाँ पर 2 मोल, ठीक है। फिर HX लिया 1 मोल, फिर HX लिया हमने 2 मोल, फिर HOX लिया, कितना मोल ले लूं, 1 की 2, चलो 2 लेते हैं, ठीक है। चलो इसको बना डालो, फटाफट बना डालो, जैसे मार्कोनिक ऑफ का नियम पढ़ा हुआ है बना के बताओ, ठीक है, बन गया। हाँ तो देखो कैसे बनेगा, RCH 1 मोल लिया ना, तो मार्कोनिक ऑफ नियम से, सॉरी H तो था नहीं यहाँ पर पहले से, तो RC निगेटिव पार्ट रिजेंट का, तो प्लस माइनस होगा, जैसे अभी BR कंडीशन कराया, इस पर एक जुड़ेगा और एक इस पर जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हो गया। 2 मोल ले लिया, तो 1 मोल लेने पे इतना होता, इस पर 1 मोल और जोड़ो तो 2 मोल वाली रिएक्शन आ जाएगी, एक यक्स, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर HX जोड़ा, तो पहले मार्कोनिक ऑफ का रूल को फॉलो करते हुए, जैसे मार्कोनिक ऑफ में होता है एक्चुअली, वैसे ही यहाँ भी होता है कुछ, तो यहाँ एक और बन गया CH2। फिर 1 मोल और ले लिया, तो सोचो 1 मोल और लिया तो फिर से हाइड्रोजन यहाँ कम है, तो यहाँ फिर से H जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ये बता दो कि ये कौन सा डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है या बीस है, विजनल है या जिमनल है, जब एक ही कार्बन होता है ना जिमनल होता है, ठीक है। HOX जोड़ना है भाई, तो 1 मोल में जोड़ा तुमने तो क्या हुआ, OH डबल बॉन्ड CH2X, फिर 1 मोल पे जोड़ दो, क्या करना है, तो RCH OH अनस्टेबल होगा, H2O भी निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा CH2X,
ठीक है। तो इस तरह से आप एल्काइन में भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब इस वीडियो के समाप्ति का वक्त आ चुका है, और इससे पहले कि हम इसको पूरा करें, ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो आपने जो पढ़ा उसके बेस पे मान लीजिए एक रिएक्शन ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 CH3 है। अब इस पर हम तमाम रिएजेंट्स का एडिशन कराएंगे और सबके आपको आंसर हम पूछेंगे। इस पर कराना है आपको तमाम रिएजेंट के। सबसे पहले क्वेश्चन है, मान लीजिए इस पर हमें कौन कौन से रिएजेंट कराना है, एक और ले लेते हैं, इस पर भी कराना है, ठीक है। कौन कौन से रिएजेंट है, नंबर एक है यहाँ पे, सबसे पहले सरल शुरू करते हैं, H2PTO2। बी है HCl है, Al2O3 है। सी है यहाँ पर जोड़ने वाला जो HBr परऑक्साइड है, देखो ध्यान से दोनों पे करा रहे हैं। डी है इसमें जो हम लोग कराने वाले हैं Br2CCl4। ई है इसमें Br2H2O। एफ है Br2CCl4 देन KiEcetone, ठीक है। जी है KMnO4 Br's रिएजेंट बेसिक मीडियम। एच है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का, यानी HSO3 की।